सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, क्या यामा R15M की जो बॉडी है वो V3 के अंदर इंस्टॉल हो सकती है क्या। तो ये चीज़ का आंसर गुड हमारे जो विजय जी हैं वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं यामा के अंदर, एक्सीडेंटल बाइक्स को ये डील करते हैं। तो विजय जी मुझे बताइए कि ये चीज़ पॉसिबल है कि अपन इस पर शिफ्ट कर सकें। सर पॉसिबल तो है, पर तो क्लैम पे इसके कटिंग करके ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ्रेम है वो सेम ही है, यहाँ पर जो फ्रेम के अंदर वो कोई चेंजेस नहीं है, जो कि डेल्टा फ्रेम बोलते हैं। बस यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर जो क्लैम्प्स हैं ये क्लैम्प्स आपको दोस्तों रिमूव आउट करने होंगे, क्योंकि जैसे क्लैम्प थे वो अंदर की साइड मिलते हैं, यहाँ पर जो माउंटिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माउंटिंग है हमारी V3 के अंदर आगे की तरफ मिलती है। तो वही क्लिप ऑन आपको चेंज करने होंगे, कटिंग करके आपको वहाँ पर बेल्ट ऑन करना होगा। तो ये अभी तक बाइक ओपन नहीं हुई है, तो जल्दी हम आपके लिए वो भी चीज़ दिखाएंगे कि ये पॉसिबल हो पाता है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू विजय जी ये चीज़ पॉसिबल है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।